उपमंडल अंब के पंजोआ गांव में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटने का मामला सामने आया है। हादसे में पंजाब के तरन तारण निवासी महिला समेत दो लोगों की मौत हुई है। पुलिस और प्रशासन की टीमों द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया गया। हादसे में करीब 30 श्रद्धालुओं के घायल होने की भी सूचना है, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल अंब में भर्ती करवाया गया। वही पुलिस ने भी घटना के संबंध में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पंजाब के तरनतारण निवासी ये सभी श्रद्धालु ट्रक में सवार होकर होला मोहल्ला मेले के लिए अंब के मैड़ी आए हुए थे। वहीं सोमवार सुबह तरनतारण लौटते समय मैड़ी से कुछ ही दूरी पर पंजोआ में उनके साथ ये हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीसी राघव शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे। मैड़ी मेले से पंजाब के लिए वापस जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक जो है वो पंजोआ नामक स्थान के समीप जो है वो पलट गया है। उसमें कुछ श्रद्धालु सवार थे, जिनको एक्सीडेंट साइट से हमारी टीम्स ने रेस्क्यू कर लिया है और सिविल अस्पताल अंब के लिए उपचार के लिए इन सभी को रेफ़र किया गया है। लगभग इसमें जो है वो 30 के करीब इंजर्ड लोग हैं और 2 कैजुअल्टीज़ इसमें रिपोर्ट की गई हैं। इन सभी को सिविल हॉस्पिटल अंब में उपचार दिया जा रहा है और आगे जो मेजर इंजर्ड हैं उनको रेफ़र किया जा रहा है। और रेवेन्यू की जो हमारी टीम्स हैं वो इमीडिएट रिलीफ जो रिलीफ मैनुअल में मिलता है पैसों की सहायता के रूप में, वो इन सभी परिवारों को श्रद्धालुओं को देने के लिए स्पॉट पे हैं और वर्तमान में जो डिसबर्समेंट है वो चला हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंजर्ड श्रद्धालु हैं उनकी जान बचाई जा सके और उनको तुरंत जो है उचित उपचार जो है वो हम दे सकें। मैड़ी मेले से पंजाब के लिए वापस जा रहे श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक जो है वो पंजोआ नामक स्थान के समीप जो है वो पलट गया है। उसमें कुछ श्रद्धालु सवार थे, जिनको एक्सीडेंट साइट से हमारी टीम्स ने रेस्क्यू कर लिया है और सिविल अस्पताल अंब के लिए उपचार के लिए इन सभी को रेफ़र किया गया है। लगभग इसमें जो है वो 30 के करीब इंजर्ड लोग हैं और 2 कैजुअल्टीज़ इसमें रिपोर्ट की गई हैं। इन सभी को सिविल हॉस्पिटल अंब में उपचार दिया जा रहा है और आगे जो मेजर इंजर्ड हैं उनको रेफ़र किया जा रहा है। और रेवेन्यू की जो हमारी टीम्स हैं वो इमीडिएट रिलीफ जो रिलीफ मैनुअल में मिलता है पैसों की सहायता के रूप में, वो इन सभी परिवारों को श्रद्धालुओं को देने के लिए स्पॉट पे हैं और वर्तमान में जो डिसबर्समेंट है वो चला हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंजर्ड श्रद्धालु हैं उनकी जान बचाई जा सके और उनको तुरंत जो है उचित उपचार जो है वो हम दे सकें।